السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الامين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرت نوراني باشا قبل رحمة الله عليك خائم ادارة جامع دار جامع نفاريا كزيرة طبعا مزهري مزهريكي रिकॉर्डिंग जारी है आइए आज सूर्य बकरा की आयत नंबर 104 की तफसीर और उसका तर्जुमा समात फरमाएंगे हमने भी उसकी त्रावत समात फरमाया आइए उसका तर्जुमा मुलाहदा फरमाएं अ ईमान वालों मेरे हबीब से कलाम करते वक्त मत कहा करो रायना बल्कि कहो अंदरना और उनकी पहली और उनकी बात पहले ही गौर से सुना करो और काफिरों के लिए दर्दनाक आदाब है इस आयत के शानजूल के बारे में हजरत खादी ना पानीपति रहम यहाँ पर अबिनमंदिर के हवाले से नकल फरमा रहे हैं कि मुसलमान कहते थे रायना या रसूल्ला मुसलमान इस आयत के शायन अजूल के हवाले से फरमा रहे हैं कि इस आयत किस जुम्मन में नाजिल हुई किस पैराए में नाजिल हुई इसका बैकग्राउंड क्या है क्यों नाजिल हुई इसका रीज़न क्या है तो बयान फरमा रहे हैं कि मुसलमान हदुर पाक अलैहि वसल्लम की बारगाह में रर्ज करते रायना या रसूल अल्लाह और मुराद से इश्तिकाक करते मतलब ये होता कि या अल्लाह हमारी हमारा कलाम सुनने के लिए हमारी रियायत फ़रमाएँ यानी हमारी रियायत फरमाएँ हमारा लिहाज़ फरमाएँ हमारा कलाम सुनने के लिए ये कहा जाता है राया इलाशी व रा आया हूँ व हूँ जब कोई शख्स ग़ौर से किसी बात को सुने ये उसके लगवी मायना यहाँ पर साहब तबसर नक़ल फरमा रहे हैं या साहब कराम के इस लफ्ज़ का माना यह होता कि हजूर सल्लास अपने इर्शादात आहिस् आहिस्त बयान फरमाएँ ताकि हम पूरी तरीक़े से समझ लें पूरी तरीक़े से समझ लें और का माना किसी मसलहत के लिए उसकी हिफाजत करना ये इसके माना थे यानी हमारा लिहाज फरमाएँ हमारी रियायत का ख्याल रखें ताकि यहाँ पर जो माना बयान फरमा रहे हैं कि मुराद से हमारे लिए कुछ मुराद फरमाएँ रियायत रखें हमारे लिए यानी हमारे हमारा कलाम सुनने में कुछ रियायत रखें या रसोल्ला या हमारा हमारी बात सुने और एक दूसरा माना ये भी बयान किया जा रहा है कि या रसोल्ला आप ज़रा आहिस्ता आहिस्ता फरमाएँ ताकि हमें समझने में आसानी हो हम अच्छी तरीके से आप क्या फरमा रहे हैं सुन ले और समझ सकें ये माना थे रायु के माना किसी की मसलाहत के लिए उसकी हिफाज़त करना ये माना भी आते हैं इसके यानी किसी की मसलाहत के लिए उसकी हिफाजत करना रून के माना ये भी आते हैं मगर यहूद अपनी जुबान में इस लफ्ज का माना ये नहीं लेते थे बल्कि वो अपने ज़ुबान में नदबिल गाली के माना में इस्तेमाल किया करते थे और उनका मकसद हदुर पाक सल्ला वसलम की शान में बेअबी और गुस्ताखी करना मकसूद होता था लफ्स तो वही है लेकिन वो माना वो अपनी ज़ुबान के माना लेकर नाउदबिल्ला हदूर पाक सलील्ला वसलम को मुखातब करते और वह आपस में हंसते थे इससे इसजा किया करते थे आपस में मदाक उड़ाया करते थे तो साहब तफसर रहे मगर ये माना तो यहाँ पर लफ्ज़ के अतबार से ज़िक्र किया गया है मगर यहूद की ज़ुबान में यह कबीह गाली के लिए इस्तेमाल होता था ये जो लफ्ज़ है यहूदियों की ज़ुबान में बहुत बुरी गाली के लिए इस्तेमाल होता था बाद ने लिखा है कि उनकी लगत में उसका माना यह है कि सुनो तुम कभी न सुनो यानी सुनो कि तुम कभी न सुनो ये माना मुराद लिया जाता है मतलब ये है कि तुम कभी न सुनो यानी तुम इस दुनिया से चले जाओ नाउदबिल्लामद आलिक अस्त फिरुल्ल या तुम बहरे हो जाओ नाउदबिल्ला हिमदालिकतफिरुल्ला या तुम बिल्कुल ख़त्म हो जाओ ये माना मुराद लिया जाता यहूद की लगत में बाद फरमाते हैं कि उसका माना याहमको अल्लाह अकबर और रायनत से मुश्तक करते हैं बाद फरमाते हैं रायना का माना, आ, या याहमकू अल्लाह अकबर अल्लाह की पना यहूद उससे मुराद ये लेते थे या याहमकू और रायनत से मुश्तक उसको मानते थे यहूद ने सहबा कराम से यह कलिमा सुना तो उन्होंने मौक़े को गनीमत समझते हुए गाली के नीयत से हदूर पाक सल्ला वसम को इसी गली से खिताब करना शुरू कर दिया नब क़राम अपनी बात सुनाने के लिए या हदूर पाक सल्ला वसम की बात को अच्छी तरीके से सुनने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे रीना या रसोल्ला या रसोल्ला हमारी रत फरमाए हमारी रवायत फरमाए हमारी बात को सुने या हाँ आप आहिस्ा आहिस्ा फरमाएँ ताकि हम अच्छी तरीके से सुन लें तो ये मतलब के लिए सहाबा क़राम इस्तेमाल करते थे लेकिन जब यहूद ने देखा कि सहबा क़राम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे लेकिन माना वो नहीं लेने लगे जो साहब कराम लेते थे बल्कि वो माना अपनी लगत में अपनी ज़ुबान में लेने लगे कि जिस में उनकी जुबान में इस लफ्ज़ के माना नऊद या आहमक या आ, सुनो तुम न सुनो यानी तुम तुम बहरे हो जाओ या तुम दुनिया से चले जाओ तुम ख़त्म हो जाओ ये इस तरीक़े से ये माना लेकर वो हदूर पाक वसल्लम से खिताब किया करते थे यहूद ने सबक्राम से गलीमा सुना तो उन्होंने मौके को गलीमत समझते हुए गाली के नीयत से हदूर पाक अलैहि वसलम को इसी गलीमे से ख़ता करना शुरू कर दिया और फिर आपस में उस पर हंसते थे, थे। अल्लाह अकबर हदूर पाक सल्ल वसम को इस कलीमे से ख़िताब करते और आपस में यहूद हंसते थे नाउदबीफ़र अल्लाह त पर लानत फ़रमाए हज़रत सादबिन माद रदी अल्लाह उनकी इस खबासत को समझ गए थे ये सहाबी रसूल हजरत साद इबन माद ऱी अल्लाह तुन की इस खबासत को उनकी इस बुराई को जो लफ्ज़ तो जो सहबा कह रहे हैं वही कह रहे हैं लेकिन उन्होंने जो माना ले रहे हैं ले रहे हैं जिसकी वजह से वो हंस रहे हैं हज़रत सादबिन मादर रजील् उ तरह यह समझ गए उनकी इस हरकतों को फरमाया आइंदा अगर इस कलीमे से मैंने तुम्हें हजूर सल्ला वसम का खिताब करते हुए सुना तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा अकबर। साहब कराम का ईमान देखिए हज़रत साहदन मादर रजियाल्ला उ तरह उनके बातली खबासत को समझ गए जान गए और फरमाने लगे कि आइंदा अगर तुमने हुदूर के लिए इस कलीमे का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा अल्लाह अकबर तो फिर यहूद कहने लगे कि आप लोग भी तो यही कलीमा कहते हैं यानी साहबा कराम भी तो यही कलीमा कहते थे हमें इस कलीमा कहने से क्यों रो, क्यों रोक रहे हैं क्यों मना कर रहे हैं जबकि तुम्हारे तमाम तुम्हारे तमाम लोग ता, तमाम सहाबा यही इस्तेमाल कर रही हैं कलिमा और जब हम कर रहे हैं तो हमें क्यों रोक रहे हैं अब उनकी आ, उनके पास अब जवाब बन नहीं पड़ा क्योंकि जो उनके अंदर बातिनी खबासत थी बातिनी बुराई थी जो यहूद के अंदर मुनाफिकीन के अंदर जो उनका मकसद कुछ और होता अल्फाज कुछ और होते अल्फाज तो मुसलमानों के जैसे इस्तेमाल करते थे लेकिन माना अपनी अदावत अपने बख्ज़ अपनी खबासत के लिए आ करते थे तो जब वो सहाबी ने उन्हें मना किया तो वो कहने लगे कि तुम भी तो यही अल्फाज इस्तेमाल करते हो होदूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो रबल जलाल ने उनकी ताईद के लिए वह सहाबी की जिन्होंने उस यहूदी को कहा था कि तुमने अगर आइंदा ये कलीमा हदूर के लिए कहा तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा ان کی تائید کے ذو الجلال نے یہ آیت کریمہ ان کی ذو الجلال نے یہ آیت نازل فرمائیں ارشاد فرمایا <applause> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ <نلیم> أي ايمان والو ल तकुल रीना तुम रीना मत कहो मेरे हबीब पाक सल्ला वसम को वक़ूल दुरना बल्कि तुम कहो उन दुरना या रसोल्ला हमारे तरफ नदर करम फरमाइए इनायत फरमाइए वसमाऊ और पहले ही तुम गौर से सुन लो कि हदूर का फिर दोबारा कहने की नौबत ही आने ना पड़े तुम गौर से सुन लो वली कैफी नलीम और काफिरों के लिए दर्दनाक आज़ाब अल्लाह तैयार कर रखा है काफिरों के लिए दर्दनाक आदाब है तो इस आयतः करीमा में बहुत सारे मसाइल यहाँ पर और अकायद यहाँ पर निकल आ रहे हैं अब आइए तफसीर में मलाहद फरमाएँगे ईमान वालों मेरे हबीब से कलाम करते वक्त मत कहा करो रा बल्कि कहो अंदरना यानी नदर करम फरमाइए नद्रिनायत फरमाइए और उनकी बात पहले से ही ग़ौर से सुन लो यानी हुजूर को बार बार या दो मरतबा तीन मरतबा बोलने की नौबत ना ना आने पड़े बल्कि तुम पहली मरतबा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमा रहे हैं तो अपने पूरे कान धर कर पूरी तवज्जो के साथ सुन लिया करो कि हुजूर को फिर बार बार पूछो मत यारसल्ला आपने क्या फरमाया हुजूर को दोबारा बोलने के लिए मत कहा करो और काफिरों के लिए दर्जनाक अज़ाब है अब यहाँ पर साहिब तफसीर फरमा रहे हैं ईमान वालों तुम रीना न कहा करो बल्कि हम ना कहा करो जिसका मतलब है हदूर पाक वसल्लम हमारी तरफ इनायत फरमाएँ या रसोल्ला हमारी तरफ नदर इनायत फरमाएँ ना कहो रुना मत कहो ये यह लफ्ज़ हमारी गुजारिश समात फरमाएँ हमारी गुजारिश समात फरमाएँ या हमारा इंतजाम फरमाएँ थोड़ा तो फरमाइए ताकि हम आपका कलाम समझ लें ये माना होंगे जिन अहकाम का तुम्हें हुक्म दिया जाए उन्हें ग़ौर से सुनो और इतायत किया करो यह, यह माना है कि तुम पहले ही हमतन गोश होकर यानी पूरी तवज्जो के साथ कान लगा कर सुना करो ताकि तुम्हें रियायत तलब करने की ज़रूरत ही न पड़े काफिरीन से मुराद यहूद है जिन्होंने रसोल्ला सलम को बुरी नीयत से रायन कहा था अल्लाह ताली यहूद पर लानत फरमाएँ यहाँ अलीम ब माना है दर्दनाक आज़ाब मुसलमान तो यहाँ पर और बहुत सारे मसाइल और इस आयत करीमा से निकलते हैं एक तो ये कि रबाल ने उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से मना फरमा दिया जिसके दोहरे माना पैदा होते हैं अपने हबीब की आ, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दि के लिए जलाल ने आयत नाजिल फरमाई और ऐसे लफ्ज़ के इस्तेमाल से भी मना फरमा दिया जो दो माना रखता है जो दो माना रखता है एक अच्छे माना और एक बुरा माना गरचे के अमिनों मोमिनो ई ईमान वालों तुम अच्छा मतलब अच्छा माना अच्छा मकसद अच्छे मकसद से रायना कह रहे हो लेकिन दूसरे लोग उसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करके बुरा माना ग़लत माना बुरे मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं अय मोमिन तुम उस लफ्ज़ के इस्तेमाल से ही रुक जाओ ताकि वो बुरी नीयत से बुरे मकसद से बुरे इरादे से उस लफ्ज़ को इस्तेमाल न कर सके तो रबल ने मुसलमानों को अपने हबीब पाक सल्हम की इज्जत आपका एहतराम आपकी तदीम व तक्रीम के लिए यहाँ तक बयान फरमा दिया कि अगर कोई जो माना लफ्ज़ भी है जिसके एक अच्छे माना और एक बुरे माना आते हैं तो उस लफ्ज़ को मेरे हबीब की शान के लायक नहीं समझा कि उस लफ्ज़ को मेरे हबीब के लिए इस्तेमाल किया जाए कि जिसके अच्छे और ग़लत अच्छे और बुरे दो माना आते हो जब और ये इज्तवा पैदा हो जाए और जब ये चीज़ आ जाए कि लोग कुछ अच्छे माना ले रहे हैं कुछ बुरे माना ले रहे हैं तो फिर इस लफ्ज़ से भी रबल ने मना फरमा दिया है तो हदूर पाक सल्ला वसम का दिफा करना यह अहर ईमान पर फ़र्ज़ है जैसा कि सहाब हजरत साबिन माद रजाल जब अपनी खुदादा फ़िरासत से और सलाहियत से इसदाद से हजरत सायदिन माद रजी अल्लाह उनकी बुरी नीयत को भाँप लिया था तो डट गए और उनको धमकी दे दी और फ़रमाया कि आइंदा अगर हुजूर के लिए यह लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करता हुआ मैं देखूंगा या सुनूंगा तो फिर तुम्हारी गर्दन उड़ा दूँगा तो अहले ईमान के लिए भी यही हुक्म है कि अगर कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी गुस्ताखी के अल्फाज़ कहता है तो उसका भी जज्ब ईमान यही होना चाहिए तब कहीं जाकर वो ईमान कामिल वाला हो सकता है और याद रखें कि अब ये वक्त ये पीरियड हम ऐसे दौर में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं अल्लाह की पनाह के बार बार दुश्मनान इस्लाम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी कर रहे हैं और नऊदबीदार हदूर पाक अलैहि वसल्लम के खाके के बनाकर अखबार में और मैगजीन्स में नद्ला छाप रहे हैं शाए कर रहे हैं नशर कर रहे हैं फैला रहे हैं वाल हफीज़ हमारे मुस्लिम क्या सो रहे हैं क्या उनसे सिफारती, तजारती ताल्लुक़ ख़त्म करके क्या उनकी मीशत को ज़क नहीं पहुँचाई जा सकती क्या उनसे रिश्ते तोड़ कर अपने ग़म और गु़स्से का इधार नहीं किया जा सकता क्या हमारे मुस्लिम हुक्मरान इतने कमज़ोर और बेबस और लाचार हो चुके हैं कि आज दुश्मन, दुश्मना ने इस्लाम हमारे नबी का मजाक उड़ा रहे हैं नाऊदबिल्ला और छप्पन सत्तावन इस्लामी ममालिक रहने के बावजूद कोई उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहा है क्या यही हमारा ईमान है क्या यही गैरत ईमानी है क्या हमने क्या हुजूर पाक वसल्लम पर हमारा ईमान लाना यही है हदूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्ह ना आपके खाके बनाकर मैगजीन्स में छापे जा रहे हैं और हम हैं कि मस्त हैं आवाम इस बारे में बेबस और लाचार हैं क्योंकि बैन अवी कवानीन और रूल्स और रेगुलेशन ऐसे हैं कि आप बग़ैर वीज़ा के बगैर कुछ इसी चीज़ के आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते अगर आवाम आज़ाद होती तो कभी के दुश्मना ने इस्लाम जो हदूर वसल्लम की शान में बेअदबी कर रहे हैं उनका सरम सर कलम कर दिया होता लेकिन ये ममालिक बैनमालिकवानीन की वजह से उनका एहतराम किया जा रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी मजहब के अजीम रात और हस्ती पैगम्बर पर कीचड़ उछाले और मुसलमान उसको देखते रहे हमारी मुसलमानों की गीरत कहाँ मर गई अकबर एक रोज़ के पहले के अखबार में या आज के अखबार में है कि किसी ने चीफ़ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ एक गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो उसको जेल हुई उसको जेल में डाल दिया गया अल्लाह अकबर ये दुनियावी मामलात में दुनिया के लीडरों के साथ हर एक का एक उसूल है अदब है हर एक का एहतराम है हर एक का रेस्पेक्ट है हर एक के मकाम का पासुलहद रखना है लेकिन दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों को वक्तन फवक्तन ठेस पहुंचाना, तकलीफ़ देना उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वक्तन फवक्तन दुश्मनी का इजहार करना ये उनका शेवा बन चुका है उनकी आदत हो चुकी है और मुसलमान भी इसके आदी हो जा रहे हैं सुनने के सुनते सुनते आदि हो जा रहे हैं देखते देखते आदि हो जा रहे हैं अब उनमें वो जज्ब ईमानी वो खून खोलना वो मुसलमानों का वो जज्बा पहले जैसा नहीं रहा अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और दुश्मनान इस्लाम जो हदूर पाक अलैहि वसल्लम के हवाले से बार बार, बार बेअबियाँ और गुस्ताखियाँ कर रहे हैं अब बार उनको नईस तो नाबूद फरमा दे उनको दुनिया और आखिरत में तबाह व बर्बाद फरमा दे और दुनिया और आखिरत में उन पर लानत बरसा ए बारे सारे तेरी लानत बरसा सारे फरिश्तों की लानत हो उन पर सारे पैगंबरों की सारे इंसानों की लानत हो और औरमत तक उन पर लानत हो वली उन अलीम और यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिरों के लिए दर्दनाक आदाब हैं अब यहाँ पर काफ्रीन जलाल काफ़रिन से मुराद यहाँ पर साहिब तफसीर फरमाने की यहूद हैं जिन्होंने हदूर पाक सल्ला वसम को बुरी नीयत से रायन कहा था तो इस बात से ये भी पता चल रहा है कि जिसको शेख उमाल हाफिद इमाम महमद नवारूकी फ़जी जंग रहमत व इदवान ने लिखा है कि हदूर पाक सल्ला वसलम की कसर शान के लिए अगर एक लफ्ज़ भी अदा किया जाता है आपकी शान में कमी के लिए नक्श के लिए आय के तौर पर या आपको बुरा कहने के लिए कह जाता है, कहा जाता है तो ये कुफ़्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा सी अदनासी भी अदबी ये कुफ़्र है तो यहाँ पर इन्होंने कोई बड़ी बात नहीं बल्कि उन्होंने हजूर पाक वसल्लम को बुरी नीयत से रायन कहा था जिसके गलत माना भी आते हैं कि तुम ये अहमक के मान आते हैं या तुम न सुनो ये मान आते हैं अलरज जो ग़लत माना बुरी नीयत से लिए लिए गए थे गर्चे के लफ्ज़ के और दूसरे भी मान आते हैं लेकिन उन्होंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया और उसमें माना व मकसद दूसरा लिया तो रबुलजलाल उनको काफिर फरमा रहा है तो हैदूर पाक सल्लाम की शान में जरासी बेदबी कि मकसद से अगर एक लफ्ज़ भी गलत इस्तेमाल कर लिया या लफ्ज़ सही इस्तेमाल किया लेकिन माना गलत ले लिया तो भी कुफ है वो दायर इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है अल्लाह अकबर अल्लाह की पना अब उसके बाद आगे की आयत करीमा के हवाले से साहिब तफसीर शाह नजूल बयान फरमा रहे हैं कि मुसलमान अपने यहूद हलीफ़ों से कहते थे कि तुम अलैहि वसल्लम पर सद दिल से ईमान ले आए ले आओ तो वो कहते तुम हमें जिस दिन की तरफ बुलाते हो वह हमारे दिन से अगर बेहतर होता तो हम ज़रूर उसे पसंद करते तो अल्लाह तारा ने उनका रद्द फरमाते हुए ये आए थे करीमा ना जिल फरमाए मुसलमान अपने यहूदी जो हलीफ थे जिनके साथ माहदा हुआ था जिनके साथ एग्रीमेंट था तो उन यहूदियों से मुसलमान कहते कि हजूर पाक वसल्लम पर तुम भी इस दिल से ईमान ला ला लो क्योंकि तुम्हारी किताबों में आखिरी पैगमर का ज़िक्र है उनकी शान बयान की गई है तुम उन पर ईमान ला लो तो यहूद कहते कि तुम जिस दिन की तरफ बुला रहे हो अगर वह हमारे दिन से अच्छा होता तो हम पहले ईमान ला लेते लेकिन वह हमारे दीन से बेहतर नहीं है हम जरूर उसको पसंद करते अगर कर हमारे दिन से बेहतर होता तो उनका मकसद यह होता कि हमारा दिन बेहतर है वो बेहतर नहीं है ना उज बिल्ला अल्लाह तो रब् بيت الجلال نے ایت کریمہ نازل فرمائی ما يود الذين كفروا منك للكتاب وللمشركين وللمشركين ان ينزل عليكم من خير يا ربكم नहीं पसंद करते वो लोग जो काफ़ी रहे किताब से और, और नामशरक उतारी जाए तुम पर कुछ भलाई तुम्हारे रब की तरफ से और अल्लाह ख़ास फ़रमा लेता है अपनी रहमत के साजिश से चाहता है और अल्लाह तम बहुत बड़ा फ़द्ल फ़रमाने वाला है याद करीम अल्लाह तबार वाल नाज़िल फ़रमाई जिसमें रबल फरमाए मायाउुल्दीन खफ़रू मिनल किताबी वलमशरकिन जब उन्होंने मुसलमानों ने अपने यहूदी हलीफ से हलीफ़ों से कहा कि तुम भी ईमान ला लो नबी आखिर ज़मा पर हदूर पाक सल्ल वसम पर महमद्वसम पर सिद्दीन से तो वह कहते कि अगर वह दिन जो तुम्हारी तरह जो महम्मद सलील वसम की तरफ भेजा गया जो महम्मद सल्ला वसम लेकर आए अगर वो बेहतर होता तो हम पहले ही उसको पसंद कर लेते थे तो मतलब ये होता कि ये बेहतर नहीं है ना नाउदिल्ला उनके लिहाज से जबकि अल्लाह की बारगाह में तो दीन ही एक वाद मजहब जो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा और महबूब और बेहतर है जैसे कि अल्लाह का इर्शाद है दीना इनस्लाम बेशक अल्लाह तबारा ताल के पास दीन इस्लाम ही है बाकी बा, बाकीान बाल है पाक उदूर पाकलम की आमद के बाद तो रबुलजलाल फरम मायावदुलदीन अफ़र मिन किताब वलमशरकिन अहल किताब में के काफ़िर और मशरकिन ये नहीं चाहते ये पसंद नहीं करते क्या पसंद नहीं करते मिन करतेबिकम कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई नाजिल की जाए यानी वही नाजिल की जाए ये ना यहूदी पसंद करते हैं ना मशरकिन पसंद करते हैं कि तुम्हारे रब की तरफ से उन तुम पर वही नाजिल की जाए भलाई नाजिल की जाए ये कभी भी ना यहूद पसंद करते हैं ना मशरकिन इस बात को पसंद करते हैं सब्यशा यहूद तो ये चाहते थे कि नबूत नबुवत आ, न, 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 भी आखिरी नबी आखिरी नबी आखिर जमा भी वो उन्हीं में से आए औलाद इसहााक में से ही आए वो ये चाहते थे कि नब वही का सिलसिला उन्हीं के ख़ानदान में से उन्हीं की नस्ल में चलता रहे लेकिन जब रबल ने औलाद इसमाइल में मुंतकिल फरमा दिया तो यह हसद के मारे इनाद के मारे ईमान लाने से रुक गए तो अल-जलाल फरमाए कि वह ये नहीं चाहते कि आपकी तरफ वही नाजिल की जाए अल्लाह ताली की तरफ से वो तो ये चाहते हैं कि हमारे ही यहूद में से ही कोई और पैगंबर हो नबी आखिर जमा हो क्योंकि ये रब का फ़ैसला है ये तुम्हारे इख्तियार की बात नहीं है और मशर्किन भी नहीं चाहते कि अल्लाह की तरफ से तुम पर कोई कलाम या व व व वही नाजिल हो खैर भलाई नाजिल हो वाह यहमतिम्यशा तो रबल जल उनका रद्द फरमा रहा है यह तुम्हारी चाहत के मुताबिक खैर और भलाई और वही का नजुल नहीं होता बल्कि रब आदल जल जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ खास फरमा लेता है अपनी रहमत अपनी वही जिसके साथ चाहता है खास फरमा लेता है जिसको चाहता है नबूत और रिसालत के लिए चुन लेता है यह तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं होगा तुम चाहती हो कि नबी आखिरज़माद इस हक में से आए तो तुम्हारी चाहत नहीं चलेगी रबल का इख्तियार चलेगा वो जिसे चाहता है पैगम्बर बनाता है वह अल्लाह जबारा बड़े फद वाला है अब तफसर मुलाद फरमाए व्दू का मतलब किसी चीज़ की तमन्ना के साथ उससे मोहब्बत करना है इसलिए मोहब्बत और तमन्ना हर एक माना के लिए इस्तेमाल होता है मिन बयानिया हैं और लाजायदा हैं अहले किताब पर उसका अदफ़ है मिन रब्बिकुम यवदू का मफहूल पहलामिन ज्यादा इस्गरा के लिए है और दूसरा इब्तदा के लिए और खैर से मुराद वही है यानी रजिन ख़ैरबूम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई खैर नाजिल होने से वो होने को पसंद नहीं करते मशरकिन और यहूद खैर से मुराद वही है यानी अल्ला की तरफ से जो वही नाजिल हूँ माना यह है कि वह तुमसे हसर करते हैं और यह पसंद नहीं करते कि तुम पर वही का नजुल हो आयत में रहमत से मुराद नबूवत है अल्लाह यकत सबरमत ही जो फरमाया अल्लाह रहमत से मुराद नबूवत है अल्लाह ताला ख़ास फरमा लेता है अपनी रहमत से यशा जिसको चाहता है अपनी रहमत को ख़ास फरमा लेता है उसके लिए जिसको चाहता है रहमत से मुराद नबूवत है यानी नबूवत जिसको चाहता है अल्लाह व तआला सरफराज फरमाता है इब्तिदाअन एहसान करने को फदल कहते हैं यानी अल्लाह ताला बगैर किसी वजह के जिसे चाहता है मनसब नबुवत आयता फरमा देता है अब यहाँ पर यह इस आयत करीमा की तफसीर मुकम्मल हुई अब यहाँ से एक नया मसला शुरू हो रहा है यहाँ से मशरकिन के बारे में ये रबल ने आयत नाजिल फ़रमाई मश्रकिन का एक एतराज़ था उस एतराज़ का जवाब दिया जा रहा है उस एतराज़ को रद्द किया जा रहा है अब क्या था कि मजीद में कुछ अहकाम हैं पहले एक चीज़ का हुक्म आता है बाद में उसको तब्दील कर दिया जाता है दूसरा हुक्म आता है उसकी जगह उससे बेहतर आता है या उस जैसा कोई हुक्म आता है तो ये जो अहकाम की तब्दीली है जो अहकाम की तब्दीली है इस तब्दीली पर कुफ़ारशरकिन एतराज़ जताया करते थे कि नाउद बिल्ला वो कहा करते थे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को पहले एक चीज़ का हुक्म देते हैं फिर बाद में रोक देते हैं ये कैसा है ये तो नाउद बिल्ला ये सोचे समझे बग़ैर किसी चीज़ का एक हुक्म दे देते हैं बाद में फिर उसको रोक देते हैं मना कर देते हैं फिर एक नया हुक्म देते हैं इसको अला इस ज़ुबान में नस कहा जाता है यानी एक हुक्म की तब्दीली यानी पहले एक हुक्म था फिर उसके बाद उसकी जगह दूसरा हुक्म आया या उस हुक्म को भुला दिया गया या मेट दिया गया उस हुक्म को तब्दील कर दिया गया जैसा कि मिसाल के, के तौर पर शराब पीना शराब पीना इब्तद इस्लाम में जायज़ था लेकिन बाद में फिर उसको एक लिमिट के साथ खास किया गया यानी उसको उसके बारे में फ़रमाया गया कि उसमें गुनाह ज़्यादा है नफ़ा कम है उसकी मजम्मत के तौर पर फरमाया फिर उसके बाद फिर हकुम नाजिल फ़रमाया और फरमाया कि या लदीन अमन ला तकरब्ल व अन तुम सुझन बन आबिर तसी और रबल ने फिर शायद फरमाया कि ईमान वालो तुम आ, नमाज की हालत में शराब ना पिया करो यानी शराब पी कर नमाज की तरफ मत जाया करो अल्लाह की इबादत के लिए मत जाया करो यानी पहले इब्तः शराब बिल्कुल इजाज़त थी जायज़ था शराब का इस्तेमाल लेकिन दो स्टेप यूँ होंगे फिर उसके बाद आखिरी स्टेप बिल्कुल हुक्म को तब्दील कर दिया गया इरशाद फरमाया गया या लदी अमनो इन नमल़मर वलम सुरु वल वल्लाम रिज सनामलैतान इस आयत करीमा में रबल ने शराब को रज सुन फरमाया है ये गंदगी है यह नजास्त है फरमाया और मिन अमल शैतान फरमाया शैतान के अमल में से शैतान के काम में से तो जैसे ही शराब की हरमत नाजिल हुई तो क्योंकि अब तक शराब हराम नहीं थी शराब जायज़ थी फरमाया गया उसमें फ़ायदा कम है नुक़सान ज़्यादा है फिर फरमाया गया कि नमाज के अवात में मत पियो नमा पी कर नमाज मत पढ़ा करो फिर उसके बाद अब आखिर में फरमाया कि ये बिल्कुल नापाक है नजीद से ये शैतान का काम है ये शराब पीना तो इसको बिल्कुल हराम कर दिया गया तो सहाब कर अदीफ पाक में आता है कि मदीन मनवरा की गलियों में शराब जब ऊंडे ले गए मटकों से तो गलियों में शराब बह रही थी अल्लाह अकबर जब हरमत नाजिल हो गई पहले जवाब था फिर फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा बताया गया ये हुक्म दिया गया फिर एक हुक्म दिया गया कि नमाज के अवात में मत पियो दूसरे अवात में छूट दी गई फिर उसका आखिर में बिल्कुल हराम कर दिया गया तो ये जो अहकाम की तब्दीली हो रही है इस तरीक़े से और बहुत सारी मिसालें मिलती है कुरान मजीद में तयबा में विरासत के मसाइल में मिलते हैं और दीगर नमाज के हवाले से भी मिलता है कि इब्तदाम रबलाल ने पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की थी फिर हदुर ने कम करा कर का कर नौमरतबा पाँच फरमाया तो एक हकम से दूसरे हुकुम को तब्दील कर देना तो अभी इसके मुख्तफ़ किस्में हैं कि नस् की वो सारी चीज़ें दौरान तफसीर आएँगी उसको बगौर समात फरमाएँ तो रबल का फ़रमान है बसमिल्लि नहीम

तो इसहित के शाहजूल बयान करते हुए साहिब तफसीर हजरत खाजी सिला पानी वती रि फरमाते हैं जब मश्रिकीन ने कहा कि महमदी वसम् अपने सहाबा को पहले एक हकुम देते हैं फिर उससे रोक देते हैं और उसके मुखालफ हुक्म देते हैं उसको रोक कर उसके मुखालिफ हुते हैं इसका साफ मतलब यह है कि ये सब कुछ अपनी तरफ से बयान करते हैं यह उनका एतराज़ था यानी पहले एक हुक्म देते हैं फिर उससे मना कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये अपनी तरफ़ से बयान कर रहे हैं अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा कलाम नहीं हैं यह उनका कहना था तो रबुलजलाल ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई अपने हबीब अलैहि वसल्लम के दिफा में और मशरकिन के रद के लिए उनके जवाब के लिए उनके रिप्लाई के लिए, लिए। इर्शाद फरमाए मिन आती हम कोई आयत को तब्दील नहीं करते अवन सि या उसको नहीं भुलाते खैर मिनहा हा असलहा मगर हम लाते हैं उससे बेहतर किसी आयत को तब्दील कर देते हैं या भुला देते हैं तो हम उससे बेहतर आयत लाते हैं अव मसलह या उस जैसी लाते हैं उस जैसी या उससे बेहतर आयत लाते हैं उस जैसा या उससे बेहतर हुक्म लाते हैं कोई हुक्म का अगर मनसूख किया जा रहा है तो उस जैसा कोई और हुक्म लाते हैं या उससे बेहतर हुक्म लाते हैं जो मखलूक के लिए फ़ायदेमंद हो सूदमंद हो उनकी मसलहतों के लिहाज से उनके मिजाजों के लिहाज से उनके हवाल के लिहाज से उनकी कैफ़िया के लिहाज से उनके लिए बेहतर जो हो या उनके अजर ववाब के अतबार से या उनमें सहल और आसानी के लिए जो बेहतर हो वो हुक्म लाते हैं वो या तो उस जैसा होता है या उससे बेहतर होता है तो रबल ने उनका रद फरमाया कि हम कोई आयत नहीं भुलाते हैं हम कोई आयत जो कुछ आयत हम मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो हम लाते हैं उससे बेहतर या उस जैसी आलाकुल्लिस क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तबारा हर हर शे परिर है ये मिन आयतिन जो है ये मिन बयानिया है यानी हम मनसूख करते हैं मिन बयानिया क्या मनसूख करते हैं आयतिन कोई आयत अव ना या उसको भुला देते हैं उस आयत को न अति अतिबेरी में हाँ हम उससे बेहतर लाते हैं अव मिसलहा या उस जैसी नस् के दो मानी हैं एक है नक़ल करना दूसरा है तब्दील करना नस के मानी बयान फरमा रहे हैं साहिब तफसीर हजरत क़ादी सनापानी फ़तरमचल नस् के दो माना हैं एक नकल करना यानी कॉपी राइट करना एक चीज़ यहाँ पर है एक दूसरी आप कापी में उतार रहे हैं किताब में है किताब में से कापी में लिख ले रहे हैं किताब में है आप कंप्यूटर पर उतार रहे हैं तो ये क्या है नकल कर रहे हैं यहाँ से वहाँ कापी कर रहे हैं एक है नकल करना एक माना नस्क और किसी चीज़ का तब्दील करना और फेर देना एक और एक माना इसके तब्दील करने के भी आते हैं नस्क इसी से नसखल किताब है यानी किताब को नकल करना नंबर दो यानी नस के दो माना जिक्र कर रहे थे कि उठा देना और जायल करना यह दूसरे माना है नस्क के दूसरे माना यह बयान कर रहे हैं साहिब तफसीर के उठा देना यानी एक हुक्म था उसको उठा दिया जायल करना ने एक हुक्म था उसको ख़त्म कर दिया कहा जाता है नसखती शमसु अव सूरज ने सा को ज़ायल कर दिया सूरज जब मशरक़ या मगरब की तरफ होता है तो सा बहुत लम्बा और दराज तवील होता है लेकिन जब सूरज बिल्कुल सर पर आ जाए इस्तेवा में आ जाए बिल्कुल मुहाजात में आ जाए बिल्कुल ऊपर आ जाए सीधे में सीधा ऊपर आ जाए तो फिर आदमी का साया नहीं पड़ता तो फरमा नश्ल यानी सूरज ने साए को ज़ायल कर दिया यानी घटा दिया ख़त्म कर दिया तो इसी इसी लिए कहते हैं तीन अवकात में नमाज़ पढ़ने को मकर मकरा दिया गया तो लोअ आफ्ताब यानी सूरज निकलते वक्त गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबते वक्त और इस्तेवा यानी सूरज बिल्कुल बीच में आ जाए जब तो जहर का टाइम शुरू होता है जवाल से जवाल यानी ज़रा हट जाना ज़रा हट जाना जब सूरज बिल्कुल बीच में आ जाता है उससे ज़रा हट जाता है वहाँ से टल जाता है ज़ायल हो जाता है हट जाता है तो फिर उसके बाद जहर का टाइम शुरू होता है ज़हर की नमाज़ आप पढ़ सकते हैं तो ये ज़ायल हो जाना यानी अपनी जगह से हट जाना यहाँ दूसरा माना मुराद है यानी किसी का हुक्म को उठा देना हकीकत में नस का माना किसी आयत की खरात की इंतहा को बयान करना किसी आयत की खरात की इंतहा को बयान करना है जबकि उसका हुक्म बाकी रहे जैसे आयत रजम, आयत रजम इस आयत की तिलावत को उठा लिया गया रफ़ा कर लिया गया दूर कर दिया गया उठा दिया गया इस आयत की तिलावत को लेकिन इसका हुक्म बाकी है यानी अश्शी व शी खो खतुदा जनाया फर्जम हमा ये आयत करीमा कुरान की एक आयत है लेकिन इसकी तिलावत को उठा लिया गया इसका हुक्म बाकी रख दिया गया यानी बूढ़ा मर्द और बूढ़े औरत अगर ये बदकारी करे तो इन दोनों को भी रजम करो बल्कि एक माना बयान कर रहे हैं नस्क़ यानी इसकी खिलात को उठा दिया गया इस खरात की इंतहा को बयान कर दिया जैसे आयत रज्म या इस आयत के हकम की इंतहा बयान करना जबकि उसकी खरात बाकी रहें जैसे करीबी रिश्तेदारों की वसीयत की आयत के एक वसीयत इन तरह का खैरन खैरन वसीत उलवादी वक्आबी नबिलूफ हकमनत यहाँ पर वसीयत के बारे में फरमाया गया अगर माल छोड़े तो फिर उसमें इन तरह का ख़ैरनवसैतुलवालद्दैन अगर माल छोड़ता है तो वसीयत करें ख़ैरन माल अलवैतलवाली वालदे के लिए वसीयत करें वक्रबीना और रिश्तारों के लिए बिलमारूफ हकमुती तो इस आयत गरिमा में वसियत करने का हुक्म है लेकिन जब आयत मीराफ आ गई तो फिर अब वसीत नहीं बल्कि हरे का हक हरे का हिस्सा बयान कर दिया गया हर एक का कितना कितना हिस्सा है बयान कर दिया गया उसमें वालदे का भी हिस्सा सुलुस और सुलुस बयान किया गया है और हदूर पाक सल्ह वसलम ने इर्शाद फरमाया ला वसीयत अली वारसिन वारिस के लिए वसीयत नहीं होगी यानी वारिस को तो अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर किए उसके मुताबिक उसको तो हक मिलना ही है अब फिर उसको वसीयत करने की ज़रूरत नहीं है तो इर्शाद फरमाया कि वसीयत वारिस के हक़ में जारी नहीं होगी गैर वारिस के हक़ हाँ में वसीयत जारी होगी तो ये जो इब्तदा में वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए वसीयत करने का हुक्म था लेकिन जब आयत मीरास आई हर एक का हक़ बयान कर दिया गया तो फिर वो पहले का हुक्म जो है वो उठा लिया गया ऊपर की आयत में तिलावत उठा ली गई थी हुक्म बाकी था ये नी ये बाद की अब की आ, इस आयत करीमा में तिलावत बाकी है इस हुक्म को उठा लिया गया और वो औरत जिसका खाविंद फौत हो चुका हो उसकी इद्दत एक साल बयान करने वाली आयत नहीं एक औरत जिसका शहर इंतकाल हो जाए उसकी इद्दत एक साल बयान की गई थी लेकिन फिर इसका हुक्म उठा लिया गया वो आयत लाई गई जिसमें वलिन ए मिनकुम फोन मिनकुम वजह तौरब और बात अशरी वरमाया कि वो ख़ात जिनके शोहर का इंतकाल हो जाए वो चार महीने दस दिन इंतज़ार करें जब तक वह दूसरा निका न करें तो ये आयत ना सिख है वो एक साल की मदद वाली आयत मनसूख है यानी उसका हुक्म उठा लिया गया यत और हुकम दोनों की इंतहा बयान करना अब तक ये आयतें ऐसी थीं कुछ आयतें की तिलावत उठा ली गई तो इनका हुक्म बाकी था कुछ आयतों का ऐसा था कि उनका हुकुम उठा लिया गया तिलावत बाकी है अब और एक नस्ख़ यहाँ पर साहब तफसीर पर बयान फरमा रहे हैं या किरात और हुक्म दोनों की इंतहा को बयान करना यानी क़ीरात भी उठा ली गई और उनका हुक्म भी उठा लिया गया जैसे कहा जाता है कि सूर अजाब में सूर्य बकरा की तरह तो सूर अज़ाब सरय बकरा की तरह तो तवील थी मगर उसके अक्सर हिस्से की तिलावत और उसका हुक्म उठा लिया गया तो साहिब तफसीर फरमा रहे हैं कि सूर अहजाब यानी इक्कीस और बाईसवें पारे में तकरीबन ये आधे पारे का सूर है तो इस तो बारे में फरमाने कि ये सूरत भी सूर्य बकरा की तरह तवील थी बहुत बड़ी सूरत थी लेकिन इस सूर्य के अक्सर हिस्से को उठा लिया गया उसके अहकाम भी उठा लिए गए उसकी तिलावत को भी उठा लिया गया फिर बाद मनसूख अहकाम ऐसे होते हैं जिनके कायमकाम दूसरे अहकाम अता किए जाते हैं जैसे करीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत की आयत मनसूख हुई तो आयत मीरात की न, आयत मीरात उसकी नासिक खा गई और एक जाविया बता रहे हैं सब तफसर कि कुछ मकाम कुछ आयतें ऐसे कुछ अहकाम ऐसे वो मनसूख होते हैं लेकिन उसकी जगह दूसरी दूसरा हुक्म भेजा जाता है जैसे आ, वसीयत इन तरह का खीरा वसीतुलवालदे जो वालदे और रिश्तदारों के हक़ में वसीयत करने वाली आयत थी इसको मनसूख कर दिया गया इसका हुक्म उठा लिया गया तो इसकी जगह दूसरी आयत आयत मीराफ लाई गई जो नासिक का इलाई वह मनसूख वो मनसूख हो गई यानी वसीयत की जो आयत थी वो मनसूख हो गई तो वह वसीयत वालदे और रिश्तेदारों के हक़ में जो वसीयत करने वाली आयत थी उसका हुक्म बदल कर उसकी जगह दूसरी आयत को लाया गया जिसमें हर एक का हक़ बयान किया गया इसी तरह वो जिसका खाविंद फौत हो चुका हो उसकी इद्दत एक साल एक आयत में बयान की थी फिर वो चार माह दस दिन वाली आयत के साथ मनसूख हो गई एक आयत में हुक्म था कि उस वो औरत जिसका शोर का इंतकाल हो जाए वो एक साल तक रुके रहें लेकिन वह आयत मनसूख हो गई उस हुक्म को उठा लिया गया तो उसकी जगह दूसरी आयत और दूसरा हुक्म लाया गया जिसमें चार महीने दस दिन रुकने का हुक्म फरमाया गया तो उसकी जगह यह हुक्म लाया गया कुछ मनसूख अहकाम ऐसे भी होते हैं जिनका ख़ाय मक़ाम नहीं आता जैसे औरतों का इम्तहान तो साहिब तफसीर और एक बयान फरमा रहे हैं कि कुछ मनसूख़ आयतें ऐसी होती हैं जिनका कोई ख़ाय मकाम नहीं आता तो कुछ का हुकम उठा लिया जाता है तिलावत बाकी रहती है कुछ की तिलावत उठा ली जाती है हुक्म बाकी रहता है किसी का दोनों चीज़ें हुकुम और तिलावत दोनों उठा ली जाती है। कुछ हैं कुछ आयतें कुछ मनसूख आयतें ऐसी होती हैं जिनकी जगह दूसरा हुक्म लाया जाता है और कुछ आयतें ऐसी होती हैं जो मनसूख तो हो जाती है। लेकिन उनकी जगह कोई दूसरा हुकुम भी नहीं लाया जाता वो मनसूख हो जाती हैं जैसे कि फरमा रहे हैं कि औरतों का इम्तहान य यूह लदीन अमन जकुमुलमजरातिन फ़म तिन ऐमान वालों जब तुम्हारे पास औरतें आएँ तो तुम उनका इम्तहान लो हिजरत करके जब औरतें आए तो तुम उनका इम्तहान लो आयत मनसूख हो गई इसकी जगह कोई दूसरा हुक्म नहीं आया नस्क नवाही को लाहिक होता है अखबार में नस्क जारी नहीं होता यानी अवामिर नवाही यानी जिन चीज़ों के करने का हुक्म है जिन चीज़ों से मना किया गया उन चीज़ों में नस्क जारी होता है अखबार में यानी जो पिछले ज़माने की पिछले कौमों की खबरें दी गई वाक़ात बयान किए गए तो ख़बरों में नस्ख जारी नहीं होता ये बयान फरमाने सबित जमहूरामा ने न सख् को नून और सीन के फतहा के साथ पढ़ा है यानी मा नख मन सख नून पर भी जबर, सीन पर भी जबर। यानी नंसख नसखा बमाना रफ़ा से मुश्तक किया है मगर इबन आमिर ने न के ज़मा और सीन के कसरा से बाब इफ़ाल से इंसाख़ से मुश्त किया है यानी माँ न पढ़ा है उन्होंने इबन आमिर ने यानी हम तुझे या जब्राइल को उनके मनसूख करने का हुक्म देते हैं या विज या विजदान के खास का एतबार करते हुए मतलब ये होगा कि हम उन्हें मनसूख पाते हैं माँ शर्दया जाम हैं जो नंसख का मफ़ोल होने की वजह से मनसूब है अब उसके बाद एक किरात बयान फ़रमा रहे हैं यहाँ से उसकी तिलावत के पढ़ने का और एक तरीक़ा अधिकार किया गया उसको बयान फ़रमा रहे हैं हजरत हज़रतजी ानी फती रे इब्ने कथिर और अब अमर ने नून के फ़तह और सीन और हमज़ा के साथ पढ़ा है नशा से मुश्त किया है जिसका मतलब होगा कि हम उनको मौखर करते हैं यानी हम उनके अहकाम को बाकी रखते हैं और तिलावत को उठा लेते हैं जैसे आयत रजम के साथ किया इस सूरत में पहला नस्क बमान रफ़ तिलावत उहक्म ही होगा यानी तिलावत और हकम दोनों को हम उठा देते हैं या ये माना होगा कि हम उसे महफूज में मौखर करते हैं यानी आप पर नाजिल नहीं करते इस सूरत में नस का माना इंजाल के बाद उठाना होगा और नसा का माना बिल्कुल नाजिल न ना करना होगा बाकी कुर्र ने को नून के जमा और सिन के कसरा से अंसा और नसीान से मुश्त करके पढ़ा है नसीान का माना हिद की ज़िद यानी भुला देना किसी चीज़ को मतलब ये होगा कि हम आपके दिल से उन अहकाम व आयात को महू कर देते हैं हजरत अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ से मरवी है कि साहब कराम की एक जमात ने रात को एक सूरत पढ़ने का इरादा किया साहब कराम रात को एक सूरत पढ़ने का इरादा किया मगर सिवाए बिसमिल्ला के किसी को कुछ हिस्सा याद नहीं आया यानी वो सूरत पढ़ना चाहते थे वो सूरा पढ़ना चाहते थे लेकिन सिर्फ़ बिस्मिल्लाह याद आया वो आगे की सूरत याद ही नहीं है ये बिल्कुल उस उस सूरत को अल्लाह ताला ने बिल्कुल भुला दिया जहनों से और दिलों से उसको महू कर दिया अल्लाह तबारा ने तो अवन सिहा यानी सियान से मुश्तक करते हुए फरमा रहे हैं कि उनकाम है व आयात को महू कर देते हम आपके दिल से वाकिया ये बारगा रिरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया गया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस सूरत की तिलावत और अहकाम उठा लिए गए हैं जब साहब इक्राम रात में पढ़ना चाहे लेकिन बिल्कुल वो याद ही नहीं आया ये माजरा साहब इक्राम जब सुबह में हदूर पाक सल वसम की बारगाह में रखें तो हदूर पाक सल्ह्स वसलम ने इर्शाद फरमाया कि इस सूरत की तिलावत और उसके अहकाम ये दोनों उठा लिए गए अल्लाह दिलों से बिल्कुल उसको महू कर दिया मिटा दिया भुला दिया बाज़ुल्मा फरमाते हैं कि इसके माना है नतरु को हम फरामोश कर देते हैं यानी हम उसको छोड़ देते हैं फरामोश कर देते हैं भुला देते हैं जैसे इर्शाद रब्बानी है नसो्ल्ह फनसी उन्होंने अल्लाह तल्ला तरामोश किया तो अल्लाह ताली ने उन्हें फरामोश कर दिया लेकिन नसुल्ला फनसी के इर्शाद के साथ ये मायना दुरुस्त नहीं लगता क्योंकि ये इरशाद उनके इजारे पर दलात करता है हम उसके बदले में बंदों को नफा के अतबार से बेहतर लाते हैं अब यहाँ पर साहिब तफसीर इसकी वजाहत फरमा रहे हैं कि माननसख़ मिन आयतिन और नातबी खैरमिन और मथिल हा कि जब भी हम कोई आयत मनसूख करते हैं यानी उसका हुक्म उठा देते हैं या उसको भुला देते हैं तो उससे बेहतर आयत लाते हैं या उस जैसी आयत लाते हैं उससे बेहतर किस एबार से उस जैसी किस एबार से वो उसके बारे में साहिब तफसीर फरमा रहे हैं हम उसके बदले में बंदों के नफ़ा के अतबार से बेहतर लाते हैं यानी बंदों का नफ़ा बंदों का फ़ायदा बंदों की भलाई बंदों के लिए अच्छाई किसमें है वैसा हुक्म लाते हैं कि पहले का हुक्म बहुत ज़्यादा सख्त था तो अब जरा कुछ नरम हुकम लाते हैं या पहले कुछ नर्म था तो अब ज़रा सख्त लाते हैं ताकि उस मशक्क़त और उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करके बंदे आखिरत में ज़्यादा अदर व के मस्तक हो और जन्नत में अली दर्जात के मस्तक हो तो फरमा रहे हम उसके बदले में बंदों के नफ़ा के अतबार से बेहतर लाते हैं या उसके बदले आसान हुक्म लाते हैं या सवाब के एतबार से बेहतर लाते हैं उसका ये मतलब नहीं कि एक आयत दूसरी आयत से बेहतर होती है तो एक दूसरे जावियत से साहब तफसीर ये फरमा रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम एक आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो उससे बेहतर लाते हैं तो वो पहली आयत से ये बात कि दूसरी आयत बेहतर होती है ये मतलब नहीं है पहली आयत भी बेहतर है वो अल्लाह का कलाम है दूसरी आयत भी बेहतर है वह भी अल्लाह का कलाम है एक आयत दूसरी आयत से ये बेहतर दोनों बराबर हैं कोई एक दूसरे से कमतर या बेहतर नहीं है दोनों बराबर है क्योंकि अल्लाह तबारा व ताली का दोनों कलाम है यह आयतों में बेहतर बेहतरी बरतरी कमतरी का सवाल नहीं है बल्कि उसके हुक्म के बारे में है जो बंदों से नफा व नुकसान से ताल्लुक़ रखता है तो फरमान इसका मतलब ये नहीं कि एक आयत दूसरी आयत से बेहतर होती है क्योंकि तमाम का तमाम अल्लाह त कलाम है और सारा सारे कलाम सारे का सारा बेहतर है यानी पूरा, पूरा का पूरा कलाम अल्लाह ताली का बेहतर है कोई कलाम कमतर या कोई कलाम बेहतर ऐसा हर नहीं है बल्कि अल्लाह का, का पूरा का पूरा कलाम खैर 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 है बेहतर बेहतर सारे कलामों से बेहतरीन कलाम है अल्लाह तम चमिशन कदीर तो रबल इर्शाद फरमा रहा है क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है इस आयत करीमा में ये जो अलम चलम है हमजा है साहिब तफसीर इसके बारे इस में फ़रमाने के में तकरीरी है मतलब ये है कि आप जानते हैं यानी यह साबित करना है कि आपको इल्म है इस बात का कि अल्लाह व तार हर हर शय पर क़िर है बाद ने इस आयत करीमा से इस बात किया है कि बग़ैर बदल के या बदल का हुक्म मुश्किल हो या सुन्नत के साथ किताब का नसक हो यह सब जायज़ नहीं है यानी ये मसला निकाला, निकाला है ये मसला उससे समझ कर अखद किया है निकाला है कि बग़ैर बदल के या बदल का हुक्म मुश्किल हो या सुन्नत के साथ किताब का नस हो यह सुबह नाजायज़ है ये बात सलामान फरमाया है लेकिन साहिब ये तफसर उसका जवाब दे रहे हैं मगर उनका जवाब ये दिया गया है कि किसी मनसूख का बदल ना होना भी खैर होता है यानी किसी मनसूख का बदल नहीं होना ये भी खैर है इसी कौन सा बग़ैर बदल के मतलब ये है कि जैसे कि ऊपर से जिक चल रहा है नासिक और मनसूख का यानी कोई हुक्म को बदल तब्दील करते हैं तो उसकी जगह दूसरा हुक्म लाते हैं उस जैसा हुक्म लाते हैं या उससे बेहतर हुक्म लाते हैं तो इस बारे में कुछ बाद का यह फरमाना है कि अगर मनसूख हो जाए अगर कोई आयत कोई हुक्म मनसूख हो जाए तो उसका अगर बदल नहीं आता है या हुक्म उससे मुश्किल आ जाता है तो ये नाजायज़ है फरमाने या सुन्नत के साथ किसा किताब का यानी हदीस से क़ुरान को मनसूख करना ये तीनों शक्लें नाजायज़ बयान फरमाए हैं कराम बामा कराम यानी अगर एक हुक्म था उसको बदल उसका बिल्कुल बदल ही नहीं आया उसका बदल जिक्र नहीं किया गया उसकी जगह कोई दूसरा हुक्म नहीं आया या बदल आया मगर पहले हुकम से ज़्यादा सख्त मुश्किल था क्योंकि जलाल ने फरमाया कि उससे बेहतर या उस जैसा फरमाया तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा लिहाजा ये जायज़ नहीं है फिर तीसरी चीज़ उलमा फरमाए कि सुन्नत से किताब का नस्ख़ ये भी जायज़ नहीं है यानी हदीस से कुरान का नस जायज़ नहीं है ये भी फरमाया तो ये तीन सूरतें बामा फरमाते हैं कि जायज़ नहीं हैं तो साहिब तफसीर उसका जवाब दे रहे हैं कि मगर उनका जवाब ये दिया गया है कि किसी मनसूख का बदल ना होना ये भी खैर होता है यानी किसी चीज़ का हुक्म नहीं लाया गया तो ये भी आ, उम्मत के लिए ये बेहतर है जैसे कि औरतों का इम्तिहान अगर हर एक का इम्तिहान ले, ले लेते बैठा जाए तो फिर मुमकिन है कि ईमान से फिर जाए ईमान से रूगरदानी अख्तियार कर ले। तो इसको हुकुम को मनसूख कर दिया गया है अलरज ये मामा कराम ने यह जवाब दिया है कि कोई हुकुम को अगर मनसूख कर दिया जाता है उसका बदल नहीं लाया गया है तो ये भी उम्मत के लिए ये भी इंसानियत के लिए खैर है बेहतर है भलाई है इसमें इसी तरह मुश्किल बदल सवाब के अतबार से बेहतर होता है तो दूसरे इसका जवाब दे रहे हैं साहिब तफसीर कि बदल तो आया लेकिन पहले से ज़्यादा मुश्किल आया हुकम तो साब तफसर फरमा रहे हैं कि तो अगर पहले से ज़्यादा सख्त हुकम आया है मुश्किल हुकुम आया है तो ये मुश्किल तो होगा लेकिन सवाब के अतबार से ज़्यादा बेहतर होगा ये पहले के हुक्म में नरमी थी लेकिन वाब में कमी थी अब इसमें ज़रा सख्ती है तो अल्लाह की बारगाह में इसका सवाब अजर बहुत ज़्यादा होता है तो सवाब और अजर के अतबार से ये बेहतर हो जाता है अब रहा हदीत किताब का नस्ख़ तो ये अहनाफ के पास जायज़ साय तफसर उसके दलील के तौर पर इस दलाल फरमाें हदीफ़ नबवी में भी अल्लाह ताला की तरफ़ से है क्योंकि उसने अपने महबूब को उसकी तालीम दी है इसलिए हदीत से क़ुरान का नस भी हो सकता है यानी हदीस से कुरान का नस भी जायज़ है क्योंकि हदीस ये हदूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ती कलाम नहीं है बल्कि इन हुआ इल्ला फ़रमाया जलाल ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ बयान करते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है जो अल्लाह ताला आपकी तरफ भेजता है तो आप अपनी ज़ात की तरफ़ से अपने नफ्स की तरफ से अपने, अपने ख्वाहिश से कोई चीज़ नहीं फरमाते बल्कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के इज्न से अल्लाह की इजाज़त से अल्लाह के इ्हाम किए हुए कलाम से आप कलाम फरमाया करते थे तो आ, तो, तो सुन्नत से भी कुरान का नस्ख़ ये जायज़ है इन तीनों तीनोंतराज़ा का साहिब तफसीर ने जवाब दे दिया अच्छे अंदाज से फिर उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाया क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही के लिए बादशाह ही आसमानों और ज़मीन की और तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई यार और मददगार नहीं तो रबल फिर फरमाएँ क्या तुम नहीं जानते कि अलाक समा हुआ थी वाला ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसी के लिए है क्या उसके इख्तियार में नहीं है क्या उसके बस में नहीं है कि एक आयत को मनसूख करके एक हुक्म को मनसूख करके दूसरा हुम लाए और दूसरा हुकुम उस जैसा या उससे बेहतर लाए क्या उसके इख्तियार में नहीं है क्या उसके बस में नहीं है किस बात पर तुम ताज़ है वह हर चीज़ पर कादिर है सारी आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत उसकी है। तो फिर तुम्हें किस बात पर एतराज़ होने लगा है वमालक व मालकम्दून वला नसीर। और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई यारों मददगार नहीं है तुम अल्लाह को छोड़ कर किधर जाओगे अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई यारों मददगार नहीं है तफसीर मुहदा फरमाएँ ज़मीन व आसमान की बादशाह ही उसी के पास है जो चाहता है करता है जो इरादा फरमाता है उसी के मुताबिक हुकम करता है यह जुमला इन आलाकिन कदीर की दलील की तरह है यानी अल्लाह तारा ने इशात फरमाया क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि अल्लाह ताली हर चीज़ पर कदिर है हर चीज़ पर कादर है नस्क़ मनसूख करने पर भी कादिर हैं भुलाने पर भी कादिर हैं कुछ कुछ अहकाम को उठा लेने पर भी का हैं, कुछ नए अहकाम लाने पर भी कर हैं कुछ आयतों को कुछ सूरतों को कुछ अहकाम को दिलों से जहनों से दिमागों से महंग कर देने भुलाने पर भी कदिर हैं। क्या तुमको नहीं पता इस बात का क्या तुम्हें इस बात का इलम नहीं है कि अल्लाह दबारा तौला हर चीज़ पर कादिर है तो रबलाल उस अपनी कुदरत की दलील के तौर पर इशाज़ फरमा रहा है साहिब तफसर फरमाते हैं कि ये बात की आयत अल्लाह ताला की कुदरत पर दलील है किस बात पर दलील है कि ज़मीन व आसमान की सारी बदशा ही उसकी है? सारे आसमानों और ज़मीन का बादशाह है तो फिर उसे कौन है रोकने वाला कौन है उसे रोकने वाला कौन है उसे कहने वाला वो तो सारी कायनत का ज़मीन व आसमानों का बादशाह है खाल मालिक हाकिम है रज़ है बादशाह हैं अब उसे कौन है कहने वाला उसे कौन रोकने वाला है वो तो सारी कायनात पर हक़ रखता है जो चाहता है करे। करें वाहु युमाम अक्कीबल हकम्ला तबार वाल कोई फ़ैसला फरमाता है तो उसके फैसले को कोई उलटने वाला नहीं है तो साहब तफसीर फरमा रहे हैं कि ज़मीन आसमान की बादशाह ही उसी के पास है जो चाहता है करता है जो इरादा फरमाता है उसके मुताबिक हुकुम करता है यह जुमला अला इलाकिन कदीर की दलील की तरह है दूसरा ये नस्क जवास की भी दलील है इसी वजह से दरमियान में जिक्र नहीं फरमाया वलीगन का माना करीब है वमा मिन मिन वलीगिन वला नसीर वली के माना बयान फरमाने साहिब तफसीर वली के माना करीब है वली कभी मदद करने से कासिर होता है और नसीर कभी मंसूर से अजनबी होता है वली और नसीर के दरमियान अमूम खसूस मिन वजहन की नस्बत है वल्लाहु आलम ब यहाँ पर इन आयत बनात की तफसर मुकम्मल हुई इसके बाद और दिगर आयात की तफसर आगे आ रही है आयत नंबर 108 वगैरह की इनशा तबार उन आयतों को हम आगे आने वाले एपिसोड में शामिल करेंगे अल्लाह तबार व ताली से दुआ है कि रब तबार ताला हमें उसकी कुदरत कामिला पर ईमान और यकीन रखने की तोफ़ी अता फ़रमाए और उसके नाजिल करदा अहकाम पर पूरी तरीके से अमल करने की तोफ़ी तरमाएल्ला तबारक व ताली वसल सैदी वबी वबारक वसलम अजमाइन वहमदिल्ल